अब थोड़ा विषय बदलते हैं, क्योंकि एक आपका जो कार्यकाल था उसमें एक आपकी मेहनत और इंटीग्रिटी और निर्विवाद सा रहा, और उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे जो अब पूरे हो रहे हैं, और ये अब लोगों को जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि और क्या होगा, क्योंकि मोदी जी खुद ये चुनाव के आगे अब आने वाली सरकार की तैयारी के लिए मीटिंग्स बुलाना शुरू कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को बुला करके बैठ रहे हैं। जाहिर है कि फिर एग्जीक्यूशन का काम आप लोगों के ऊपर आने वाला है, तो ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन पर कुछ रोशनी डाल। देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि यह सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत जब मैंने की थी तो मुझे आज भी याद है, विधानसभा में मेरे ऊपर बहुत तंज कसा गया और कहने लगे कि भूमि पूजन तो होते हैं लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, और मैंने कहा था मैं रिकॉर्ड टाइम में सारे प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। आज आप देख सकते हैं कि देश का सबसे लंबा सागरी सेतु, समुद्र का सेतु 22 किलोमीटर का तैयार हो गया, उस पर ट्रैफिक शुरू हो गया। अभी अभी हम लोगों ने एक लेन हमारे जो कोस्टल रोड है उसकी शुरू कर दी, जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। हमारे जो अंडरग्राउंड मेट्रो है 40 किलोमीटर की, जो एशिया की सिंगल सबसे बड़ी लाइन है, काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। केवल उद्धव जी ने 2.5 साल डेपो का काम नहीं करने दिया इसलिए उसको लेट हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 2024 में हम उसको शुरू कर देंगे। न्यू मुंबई एयरपोर्ट 2024 के अंत तक हम शुरू कर देंगे। नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेसवे का काम करीब हम लोगों ने उसका मेजर पोर्शन तो खोल दिया, सिर्फ 150 किलोमीटर का पोर्शन बचा है, उसको भी हम लोग अभी पूरा कर देंगे। ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स को हमने उस समय कहा था और हमने उसको पूरा किया। अभी पुणे रिंग रोड का काम हम शुरू कर रहे हैं, विरार अलीबाग कॉरिडोर काम शुरू कर रहे हैं, मुंबई में वर्ली बांद्रा के बाद बांद्रा वर्सोवा का काम हमने शुरू कर दिया, वर्सोवा से मढ़ तक का काम अभी हम लोगों ने उसका टेंडर निकाल दिया। कल ही हमने मढ़ से विरार तक के लिंक को हमने मान्यता दे दी है, जिसको वापस मैं जब जापान गया था तो जापान ने उसको फंड करने की बात कही है, तो उसका भी काम हम पूरा करेंगे। उसको हम विरार से अलीबाग कॉरिडोर को जोड़ रहे हैं, जिसका काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और इसको हमने ये सागरी सेतु से जोड़ दिया है। तो एक प्रकार से पहली बार मुंबई के लिए एक लूप तैयार हो गया है, और MMR रीजन में 375 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हम लोगों ने किया, जिसमें से करीब 100 किलोमीटर अभी डिलीवर हो रहा है। धीरे धीरे करके अगले 3-4 सालों में ये पूरा नेटवर्क डिलीवर होगा। आप नागपुर देखिए, उसकी मेट्रो का हमने रिकॉर्ड टाइम में काम किया, पुणे मेट्रो का हमने रिकॉर्ड टाइम में काम किया। आज अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण भागों में भी हम लोगों ने जो रास्ते, उन रास्तों को उन्नत करके जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स थे उनको हमने स्ट्रेट रोड का दर्जा देकर वहां पर भी हम कंक्रीट के रोड तैयार कर रहे हैं। आज बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग केंद्र सरकार की मदद से हमारे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए निवेश हमने चालू कर दिया है। हम लोगों ने आज कचरे से बिजली निर्माण के प्रोजेक्ट्स होंगे, कचरे से पैलेट्स निर्माण के प्रोजेक्ट होंगे, ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ये हम लोगों ने पूरे किए या उसका काम हमारा शुरू है। और अभी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको केंद्र सरकार ने और हमने मिलकर मान्यता दी है वो है वाढ़वण का पोर्ट। ये वाढ़वण का जो पोर्ट है ये देश के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग देखें तो हमारे देश की जो पोर्टलेट डेवलपमेंट है उसको पिछले 30 सालों तक JNPT पोर्ट ने फ्यूल किया। आज देश का 65% कंटेनर ट्रैफिक JNPT पोर्ट जो है वो हैंडल करता है। अब वाढ़वण का जो पोर्ट है JNPT से 3 गुना बड़ा है, 3 times बिगर, और उससे ज़्यादा डीप ड्राफ्ट का पोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज ये वाढ़वण के पोर्ट पे आ सकता है। तो एक प्रकार से बिग टिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग ये कर पाएंगे। और ये क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए कर पा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार है। जिस प्रकार से जो स्पीड और जो स्केल मोदी जी के सरकार में देखने को मिलता है ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम लोग वहां जाते, मतलब पुरानी सरकारों में भी मुख्यमंत्री जाते थे, उनकी सरकार होती थी, हाथ हिलाते वापस आते थे, हम कभी वापस नहीं आए, हम प्रोजेक्ट समाप्त करके वापस आए।